बरमकेला अंचल में उड़ीसा से 12 हाथियों का दल आने की खबर से वनांचल क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। डोंगरीपाली पुलिस ने गश्त के दौरान हाथियों को किंकारी डैम के समीप देखा था, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई थी। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद वन विभाग और बरमकेला पुलिस के साथ डोंगरीपाली पुलिस की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में गश्त कर रही है। बरमकेला अंचल में ओडिशा से 12 हाथियों के दल आने की खबर से वनांचल क्षेत्र कोठीखोल में भय और दहशत का माहौल है। डोंगरीपाली पुलिस ने गश्त के दौरान उक्त हाथियों को किंकारी डैम के समीप देखा था, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दे दिया गया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद वन विभाग और बरमकेला पुलिस के साथ डोंगरीपाली पुलिस की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए संबंधित क्षेत्र में गश्त कर रही है। इस संबंध में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा से लगा हुआ जंगल में सक्रिय हाथियों का दल वर्तमान में बरमकेला के जालाकोना गाँव के पास किंकारी अंचल के पास पहुँची है। इस हाथी के दल को डोंगरीपाली पुलिस नियमित गश्त वाली टीम ने देर शाम को देखा और इसकी सूचना बरमकेला पुलिस और वन विभाग को दिया। वह वन अंचल गाँव में मुनादी कराकर सतर्क रहने को कहा गया है। देखा जाए तो वन विभाग की लापरवाही की वजह से गोमड्डा अभ्यारण्य के सीमावर्ती जंगल में विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है। किंकारी बांध पहुँचने के बाद वन विभाग को पता चला है कि रहवासी क्षेत्र में हाथियों का दल विचरण करते हुए पहुँच गया है। 29 तारीख को इसी महीने शाम को 7:30 बजे के लगभग 10 से 12 हाथियों का दल किंकारी डैम के आसपास दिखाई दिया है, जो अभी भी हमारे क्षेत्र में बनहर जंगल में है। फॉरेस्ट वालों को सूचना दे दी गई है, फॉरेस्ट की टीम के साथ नज़र रखी जा रही है। कंटिन्यू उनकी टीम आई है, उन पर नज़र रखी गई है। आसपास के जो क्षेत्र है ग्रामीण, उनको मुनादी करके सूचना दे दी गई है। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।